जी, यात्रा को फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। जी हाँ नाजरीन, इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि मौसम, चाहे हम बालाई इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, बारिशें हमें देखने को मिल सकती हैं। वहीं कल भी हमें हल्की बारिश देखने को मिली और परसों भी हमें हल्की बारिश देखने को मिली, जिस सबको मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल अमरनाथ जी यात्रा को सस्पेंड किया गया है। चाहे हम बालतल रूट की बात करें या पहलगाम रूट की बात करें, दोनों रूट से फिलहाल यात्रा जो है वो मौतल की गई है। और ये कहा जा रहा है कि जब मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, क्योंकि चूंकि वो हायर रीच्स है तो हो सकता है वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होने के इम्कान है और वहाँ हो सकता है कि फ्लैश फ्लड्स भी आ सकते हैं, जिसके मद्देनज़र अमरनाथ जी यात्रा को जो है फिलहाल सस्पेंड किया गया है। हालांकि हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस कश्मीर की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि स्मूथली सब कुछ कंडक्ट हो जाए। हमने देखा कि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइमिंग दी है कि जिनको भी नॉन कॉन्वे व्हीकल्स जो है, जिनको भी नेशनल हाईवे से गुजरना है, उनके लिए जो है एक पर्टिकुलर टाइमिंग दी गई है ताकि स्मूथली सब कुछ कंडक्ट हो, ट्रैफिक मैस ना हो। लेकिन फिलहाल जो है अमरनाथ जी यात्रा को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि मौसम को मद्देनज़र रखते हुए महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन थी कि हम हायर रीच्स की बात करें यानी कि बाला इलाकों की बात करें, वहां से भी बारिशें हमें देखने को मिल सकती है। हम मैदानी इलाकों की बात करें, यहां पे भी हमें बारिशें देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने कल देखा कि हल्की बारिश हमें देखने को मिली, परसों भी हमने देखा कि थोड़ी सी बारिश हमें देखने को मिली, जिसके चलते अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। एक बार मौसम में बेहतरी आएगी उसके बाद फिर से रिज्यूम किया जाएगा। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तमिल इरशाद।